बीसीसीआई के नए वाइस प्रेसिडेंट माहिम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं, कुछ हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, कुछ रणनीतियों के बारे में बात करेंगे। स्वागत है और बधाई आपको। धन्यवाद सर। सर, ये जो पोस्ट मिली है आपको, ये जो पद मिला है, ये खुशकिस्मती की तो बात है ही, लेकिन इसको जिम्मेदारी कितनी बड़ी आप मानते हैं? जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, जितना बड़ा पद उससे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरी टीम अभी नई है और इसके साथ कि उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी मेरे से जुड़ गई अब, कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, वहाँ के एक्सप्रेशन भी जुड़ गई मेरे से। बिल्कुल। तो सर, पहले तो मेरा प्रायोरिटी रहेगी कि अब स्टेट में कि अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाएगी, अभी वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी बड़ी है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली आपकी प्रायोरिटी होगी कि उत्तराखंड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए या पूरे देश को भी कॉन्सेंट्रेट? पूरा देश तो है ही, पूरा देश तो करना ही है, पूरे देश के लिए बने हैं, लेकिन चूँकि अब वहाँ से बिलोंग करता तो थोड़ा एक अफेक्शन तो रहता है। बिल्कुल। और वहाँ पे इतना डेवलप नहीं है। हमारे क्रिकेट का जो मॉड्यूल है अभी, वो काफ़ी हद तक सुधर गया, शायद यही वजह है कि आज भारत की जो टीम है वो टेस्ट में नंबर एक पर है, विश्व रिकॉर्ड बना दिया है कि 11 सीरीज़ अपने घर में लगातार जीती है। लेकिन अगर हम उसमें और कुछ सुधार की बात करें, निचले स्तर पे जो नए टैलेंट, जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, एक छोटे से शहर से आया और इतना बड़ा स्टार बना, उस तरह के टैलेंट्स को आप किस तरह से ढूंढेंगे या उस उनके लिए किस तरह का प्रयास होगा आपका? जूनियर क्रिकेट फोकस करना ज़रूरी है और मेनली स्कूलिंग क्रिकेट, कि क्रिकेटर वहीं से निकलेंगे। आप कहें तो सचिन तेंदुलकर है, कामली हैं, ऐसे कई खिलाड़ी जो स्कूल से ही निकलते हैं, तो जूनियर क्रिकेट के लिए फोकस करना, उनके लिए वर्कआउट करना, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्रिकेटर्स जो वहीं से निकलेंगे जूनियर से। एक चीज़ और है कि आपके साथ जो नई टीम बनी है, एक तरफ सौरभ गांगुली हैं, एक तरफ अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, इनके साथ तालमेल बिठाना ये भी आपको लगता है कि एक चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ लेजेंड क्रिकेटर हैं, एक तरफ होम मिनिस्टर के पुत्र हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो काफ़ी इंट्रैक्शन हो चुका है 13 तारीख से, और दादा तो में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है उनके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अमित शाह के साथ मैं 13 तारीख से लगातार टच में है, उनके जय शाह के साथ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है मुझे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सीखने जरूर मिल जाएगा मुझे दादा से। अच्छा, दादा के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, कहीं आपको लगता है कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे टीम को, क्योंकि वैसे उस पद पर भी हैं वो? नहीं, सबको साथ लेने चलेंगे, मुझे तो लगता नहीं, जब कप्तान थे वो इंडिया के, तो उन्हीं की देन है जो आज इंडिया परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। तो वो टीम को साथ लेके चलने वाले हैं, तो यहाँ भी सबको साथ ही लेके चल रहे हैं अभी। और जय शाह का प्रेशर, क्योंकि होम मिनिस्टर के बेटे हैं, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता मुझे जय शाह का तो। अच्छा। मुझे इनफैक्ट लगता ही नहीं कि वो अमित शाह के बेटे हैं, इतना फ्रेंडली रहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट भी साथ में रहेंगे, बुलाया भी साथ में चलेंगे हम लोग, यहाँ पे भी मीटिंग अभी लगातार सुबह से मीटिंग चल रही थी, तो बहुत फ्रेंडली नेचर है उनका, ऐसा कहीं इम्पैक्ट नहीं लगता मुझे। मुंबई में आए, घूम रहे हैं आप, हाजी अली दरगाह पे भी गए, वहाँ पे क्या मांगा टीम की सक्सेस, अपने लिए सक्सेस क्या कहेंगे? एक शब्द, शांति। शांति, देश में शांति, टीम में शांति, जब शांति रहेगी तो सब कुछ बढ़िया होगा। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद से आपको वो पद दिया गया है, और उस पर आप पूरी तरह से खड़े उतरें। धन्यवाद।